कोरोना संक्रमण के कारण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश के किसानों से बढ़ी हुई तारीख का लाभ उठाकर शीघ्र से शीघ्र फसल बीमा कराने की अपील की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। उपचुनाव से पहले खुद को मजबूत करने के लिए भाजपा सरकार ने किसानों को राहत देना शुरू कर दिया है, ताकि चौथी बार शिवराज सरकार मजबूती से सत्ता पर टिक पाए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने बताया कि कोविड-19 के चलते किसानों को फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने में कठिनाई हो रही थी। ये संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया। इसकी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। बीमा किसानों का कराकर बीमा का हमने विस्तार भी किया है, इसलिए मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो बीमा की तारीख पहले भी हमने बढ़ाई थी 17 अगस्त की थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में बैठक करके उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों के हित में बढ़ाई जाए, और इसलिए 31 अगस्त तक अब किसान अपना बीमा करा सकेंगे। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि जिन किसानों का केसीसी है, बैंक से ऋण लिया है, उनका तो बैंक 2% खरीफ में काट लिया है बैंकों ने, लेकिन बड़ी संख्या में किसान डिफॉल्टर हैं। 1-2 करोड़ किसान में लगभग 67 लाख किसान जो डिफॉल्टर हैं, और उनका केसीसी नहीं होने के कारण बैंक ने उनका बीमा नहीं काटा है, उनको भी यह अवसर है कि वो अपना बीमा अभी भी करा सकते हैं, और इसलिए हमने 3 बार बीमा कंपनियों को आमंत्रित किया था अलग अलग, लेकिन बीमा की जो प्रीमियम दर थी बहुत अधिक थी, इसलिए हमने उनको 1 बार निरस्त किया, 2 बार निरस्त किया, 3री बार किया। अब 4थी बार हम बीमा कंपनी का हमने आज से टेंडर करा दिया, कल से मंगलवार को खुल जाएगा, और इस बार हमने कुछ चेंज किया उसमें। बीमा की जो 2 प्रकार के होते हैं कि एक बीमा सरप्लस शेयरिंग मॉडल के अनुसार हम बीमा कराने जा रहे हैं, इसमें किसानों से 2% लेंगे, बाकी जो रेट आएंगे मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार भरेगी, और उसमें 80% से 110% तक क्षति होगी तो बीमा कंपनियां किसानों को भरपाई करेगी। अगर 80% से कम होती है, मान लो उदाहरण के लिए 50% क्षति होती है और 80% तो उसके बीच का जो पैसा प्रीमियम का वो वापस मध्य प्रदेश सरकार को करेगी, लेकिन यदि 110 से ऊपर क्षति होती है तो बीमा कंपनी 110 तक करेगी, उसके ऊपर फिर राज्य सरकार करेगी, ना केंद्र सरकार करेगी ना बीमा कंपनी करेगी, और इसलिए हमने इस बार उसको अपनाया है, लेकिन किसानों का जो क्षति होगी उसकी पूर्ति पूरी की जाएगी, और इसलिए हमने इस वाली मॉडल को अपनाया है। इससे एक और प्रदेश सरकार को प्रीमियम भी कम देना पड़ेगा और किसानों को अधिक से अधिक अगर क्षति होती है तो उसकी पूर्ति हो सकेगी, और इसलिए इसकी तारीख 31 अगस्त तक हमने कर दी है। हमने सभी कोऑपरेटिव बैंक और कलेक्टर को निर्देशित कर दिया है कि किसानों का कोऑपरेटिव बैंक गांव-गांव जाकर सहकारी सोसाइटियां रहती है, समितियां, वो डिफॉल्टर किसान का भी या जो छोटे किसान हैं जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है या जिन्होंने बैंक से नहीं लिया, उनका भी बीमा हो सकता है, और इसलिए सभी किसान का बीमा हो जाए ताकि उनकी फसल की जो क्षति संभावित है उसकी पूर्ति बीमा कंपनी के माध्यम से हम करा सकें। कृषि मंत्री ने यूरिया संकट को लेकर कहा कि इस बार केंद्र सरकार ने राज्य को अतिरिक्त यूरिया का आवंटन किया है, वहीं नकली खाद बीज के व्यापारियों पर कड़ा रुख बरकरार रखते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने खाद की पर्याप्त व्यवस्था की है, पिछले साल कांग्रेस ही चिल्लाते हैं यूरिया नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, यूरिया वाकई में पिछली बार नहीं मिला था, और पिछली बार ब्लैक मार्केटिंग हुई थी, डबल रेट में किसानों को मिला था, क्योंकि किसान को इन्होंने पहले कहा कि हम सोसाइटियों के माध्यम से 100% देंगे, और कई जिलों के अंदर कोऑपरेटिव बैंक डिफॉल्टर थी, करीब 15 जिले ऐसे हैं, 12 से 15 जिले जहां कोऑपरेटिव बैंक खुद डिफॉल्टर है, सोसाइटियाँ डिफॉल्टर है, इसलिए उन सोसाइटियों को भी खाद नहीं मिला था, सोसाइटियाँ कहाँ से खाद देगी, एक बोरी भी उधार खाद देने की स्थिति में नहीं थी, और इसलिए किसान भटकते रहे और उनको महंगे दर में उन्होंने खरीदा, और इसको देखते हुए हमने इस बार 45-55 का रेशो किया था, 45% बाजार में और 55% जो अभी तक हाईएस्ट 54% सोसाइटियों के माध्यम से बटा था, तो 55 हमने किया,
लेकिन जुलाई के माह में हमने 80% सोसाइटियों को दिया, 20% ही व्यापारियों को दिया, और अगस्त में हमने फिर 45% व्यापारियों को कर दिया है, 55% सोसाइटियों को, ताकि जिन किसानों के खाते हैं रेगुलर वो सोसाइटियों से ले लें, और जो जिनके खाते नहीं डिफॉल्टर हैं वो प्राइवेट व्यापारियों से उधार भी ले सकते हैं, और नहीं तो वो वंचित रह जाते हैं, और इसी के कारण आहकार मचता है। दूसरा एक मानसिकता रहती है कि किसी चीज़ की अगर कोई कमी है तो व्यक्ति पहले से एडवांस रखता है, जिसको ज़रूरत 2 महीने बाद है वो अभी से रखता है, और इसलिए लोगों ने स्टॉक कर लिया, बड़े किसानों ने या जो जागरूक किसान हैं उन्होंने, और इसलिए कहीं कहीं जगह दिक्कतें आई है। लेकिन हमने केंद्र सरकार से अतिरिक्त मांग की, और मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ, उर्वरक मंत्री का और कृषि मंत्री का, कि उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया और 1,13,000 मेट्रिक टन यूरिया हमको अतिरिक्त आवंटित हो गया है अगस्त तक। रबी की फसल इस बार बारिश अच्छी होने से बढ़ेगी, लगभग 112 लाख में हेक्टेयर में गेहूं की बुआई होगी खरीफ रबी में, चने की होगी, और इसलिए उनके लिए भी यूरिया की आवश्यकता होगी। तो हमने भारत सरकार को 24 लाख मेट्रिक टन यूरिया की मांग की है कि हमें आमंत्रित करें, उसके लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया जी से भी मेरी चर्चा हुई है, और हमने लिखित में भी भेजा है, और भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं उनसे चर्चा करके, ताकि हमारे रबी में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा नकली खाद बीज दवाइयों के जो व्यापारी हैं जो गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ भी हमने सख्त कार्रवाई की है, और जिनके सैंपल फेल हुए उनके हमने लाइसेंस नष्ट किए हैं, किसके अधिकांश हमने लाइसेंस निलंबित भी किए हैं, और FIR भी हमने करीब 25 से अधिक कराई है। और इस प्रकार हमने सभी कलेक्टर को, हमारे DDS को, हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी सबको निर्देशित किया कि जहां भी गड़बड़ हो तत्काल कार्रवाई करें, त्वरित कार्रवाई करें, ताकि हमारे किसानों के साथ धोखाधड़ी ना हो। वहीं 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के मोदी सरकार के संकल्प को दोहराते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार अपने इस लक्ष्य के प्रति गंभीर है और इस दिशा में लगातार कदम उठा रही है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए संकल्प लिया है कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुना करेंगे, और सिर्फ संकल्प ही नहीं लिया, घोषणा ही नहीं की, तो उसके क्रियान्वयन के लिए भी और बजट की व्यवस्था भी की है। इस कोरोना काल के संकट में उन्होंने एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की 20 लाख करोड़ की, उसमें किसानों के लिए 1 लाख करोड़ किसानों के अधोसंरचना विकास के लिए, ताकि किसान अपनी जो फसल मेहनत करके पैदा करता है उसको रखरखाव के लिए वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, साइलोज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, इन सब के लिए 1% ब्याज पर किसानों के जो समूह बनेंगे FPO कृषक उत्पादक समूह, उनको सरकार अनुदान के ऊपर ऋण उपलब्ध कराएगी और सारी सुविधाएं देगी, ताकि किसान अपनी फसल जो औने पौने भाव पर मंडी में बेचने के लिए मजबूर होता था वो अब मजबूर नहीं होगा, बल्कि मजबूत बनेगा किसान, और इसलिए उसके पास वेयर हाउस होगा तो वो माल अपना वेयर हाउस में रखेगा, कोल्ड स्टोरेज में रखेगा, साइलोज में रखेगा, और जब भाव अच्छे आएंगे तब वो माल ग्रेडिंग करके, साल्टिंग करके और अच्छे ऊंची कीमत पर बेचेगा, जिससे उसकी आय 2 गुना 3 गुना और 4 गुना होगी। अभी तक आज़ादी के इन 73 साल में बिचौलिए पैसा कमाते थे किसान, के टमाटर और प्याज 2 रुपये और 4 रुपये किलो बिक रहे हैं, लेकिन जो निर्यातक है वो व्यापारियों से 30 से 40 रुपये में खरीदते थे, और इस प्रकार जो बिचौलिए कमाते थे उनको हटाना और सीधे किसानों को व्यापार से, निर्यात से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया। और दूसरा, आज़ाद भारत में 73 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना प्रारंभ की है, इससे गांवों के विकास के द्वार खोले हैं, गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे, दशा और दिशा बदलेगी। उदाहरण के लिए यह भोपाल शहर है, अगर यह बिल्डिंग 1 करोड़ की है या 1 लाख की है या 1 करोड़ की या 100 करोड़ की, तो इस पर कलेक्टर की गाइडलाइन जो होती है वैल्यूएशन, उसके अनुसार बैंक में
गारंटी में रखकर वो 1 करोड़ की है तो 1 करोड़ का ऋण ले सकता है, 100 करोड़ की तो 100 करोड़ का। और इसलिए शहर के लोग उद्योग धंधे व्यवसाय में बैंकों से ऋण लेकर आगे बढ़ गए, उनका आत्मनिर्भर हो गए, समृद्धि हो गए। लेकिन गांव में अगर यही बिल्डिंग गांव में हो, चाहे वो 1 लाख की हो, 1 करोड़ की हो या 100 करोड़ की हो, तो 1 रुपये का लोन नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो मालिकाना हक नहीं है, उसके पास दस्तावेज नहीं है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन गांव को आज़ादी दिलाई है मोदी जी ने। 24 अप्रैल 2020 को पंचायत दिवस के दिन जिस दिन प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना शुरू की, और मुझे बताते हुए खुशी है कि 5 प्रदेश अभी उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट में लिए, उसमें मध्य प्रदेश भी है, और हरदा और डिंडोरी से हमने इसको शुरू किया है। दरअसल चुनावी दहलीज पर खड़ी शिवराज सरकार 5 माह बनाम 15 माह का मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाना चाहती है। इसीलिए कोरोना संकट काल में शिवराज सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को अब घर घर तक प्रचारित करने का प्लान बीजेपी तैयार कर रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल की पीसी इसी कवायद का एक हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।